कर लेते हैं और विजय वर्गीय से खास बातचीत की है इंडिया न्यूज ने, वो भी आपको सुना देते हैं। भी सांसद फुल अटेंडेंस में मौजूद हैं। पहले आपको हरसिमरत कौर से खास बातचीत की इंडिया न्यूज ने, वो सुनवा देते हैं। केंद्रीय मंत्री अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर हमारे साथ में मौजूद हैं। मैडम, एनडीए की सुनामी चली है देशभर में, मोदी जी का जादू चला, क्या कहेंगी? बिल्कुल चला है, उनका किए हुए कामों पे लोगों ने मोहर लगाई है कि वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं और कांग्रेस का जो दुष्ट प्रचार रहा है, झूठ फरेब, ये सबको निकारा है। सो बहुत बढ़िया वर्डिक देश की जनता ने दिया है। मैडम, एनडीए की बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्या दोबारा आप लोग नेता चुनने जा रहे हैं? बिल्कुल, ऐसा जो जैसा देश का नेता जैसा होना चाहिए, जिसको देश ने नेता माना है, तो बिल्कुल एनडीए तो उनसे पहले, हम सबसे पहले आए थे जिन्होंने उन पे मोहर लगाई थी, और बिल्कुल उनके साथ में खड़े आज। यदि हरसिमरत कौर जिनका कहना कि नरेंद्र मोदी को ही एनडीए का नेता चुना जाएगा, उनके नाम पर पूरे देश ने मोहर लगाई है, लिया जाए एनडीए भी उन्हीं के नाम पर मोहर लगाएगा। कैमरा प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो हरसिमरत कौर हो या फिर अनुराग ठाकुर, सब सबकी खुशी उनकी बातों से साफ झलक रही है और उनका मेजोरिटी में सरकार में वापस आना उनके चेहरों पर, उनके वक्तव्य में साफ झलक रहा है। तो इस वक्त सेंट्रल हॉल में सभी नवनिर्वाचित सांसद मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित भी करेंगे और आज ही प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तो एक के बाद एक वीवीआईपीज का आने का सिलसिला संसद में चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त, उनका कारवां, उनका काफिला इस वक्त संसद में पहुंच रहा है सेंट्रल हॉल में। अब से वो कुछ ही देर बाद अपने नव निर्वाचित सांसदों को संबोधित करने वाले हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ सेंट्रल हॉल की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो पहुंच चुका है पार्लियामेंट में और अब से कुछ ही मिनटों बाद वो सेंट्रल हॉल में मौजूद होंगे, जहां पर वो औपचारिक तौर पर संसदीय दल के लीडर की जो उपाधि है वो ग्रहण करेंगे और साथ ही साथ एनडीए के भी वो लीडर घोषित किए जाएंगे। इसके बाद आज उनके प्रोग्राम्स में ये स्लेटेड है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश करने वाले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री इस वक्त पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं और अमित शाह उनके स्वागत में खड़े हैं, राजनाथ उनके स्वागत में इस वक्त खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीधा तस्वीरें हैं ये पार्लियामेंट से, जहां सेंट्रल हॉल में आज सभी नव निर्वाचित सांसद इकट्ठा हुए हैं और सबके चेहरों पर जीत की खुशी साफ साफ देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए अमित शाह और राजनाथ को आपने देखा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद नवनिर्वाचित सांसद जो सभी वहां पर इकट्ठा हैं फुल अटेंडेंस में, आज सभी जीतने वाले जीत हासिल करके वहां पर मौजूद हैं, उन सभी को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नई सरकार का काउंटडाउन एक तरीके से शुरू हो गया है, उसको बनाने की कवायद और प्रोसेस जो है वो भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी सांसदों की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी अब से कुछ ही मिनटों में और बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित भी करने वाले हैं। तस्वीरें आप सीधा इस वक्त संसद से देख रहे हैं, सेंट्रल हॉल की तरफ जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये संसद हॉल की तस्वीरें हैं। हॉल खचाखच भरा है, नव निर्वाचित सांसद जो हैं वो सभी फुल अटेंडेंस में इस वक्त वहां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी